नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। कपाली में चोरों की हौसले बुलंद हो गई है। बीती रात एक साथ तीन घरों में चोरी हुई। बता दें कि मंगलवार की रात सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी अंतर्गत धरनी घोड़ा में एक साथ तीन तीन घरों में चोरी की घटना से इलाके के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। चोरों ने नगद, जेवरात, लैपटॉप आदि पर अपना हाथ साफ किया है। बताया जा रहा है कि चोरों ने मनोरंजन महतो के घर से लैपटॉप, सोने और चांदी के जेवरात, मक्खन महतो के घर से सोने चांदी के आभूषण और चंदू कुंभकार के घर से सोने चांदी के आभूषणों की चोरी कर ली है। घटना की सूचना मिलते ही कपाली ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई है। वही घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। फ्रिज खोल के पानी पिया है, पानी पिया है, बोतल निकाला, फ्रिज से फ्रूट निकाल के फेंक दिया था। उसको लगा ये क्या, नहीं पता, इसलिए फेंक दिया था। हार यार। ना सिटी गोल्ड टीना लोहा छड़े नहीं छ अलमारी टाओ देखो देखो निकला में रात 1 बजे से 1:30 बजे कभी हमारे तीनों घर में इसमें तीनों घर का नाम है, एक मक्खन महतो, एक चंदू कुमकार और एक मनोरंजन महतो। अचानक तीनों घर में चोरी हुआ। सुबह देखा गया, उसका पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया। पुलिस आके अपना मनोरंजन महतो के घर में चोरी हुआ, एक लैपटॉप था और कुछ सोना वोना का चोरी हुआ। मक्खन महतो के घर में भी पायल वेल था और चंदू कुमार का घर में भी हुई पायल कान सामान चोरी हुआ। तो लैपटॉप तो खुद ही आपको 50,000 का था, तो तीनों घर में मिला के हमको लगता कम से कम 2-2.5 लाख का तो हो गई। नगद नगद किसी के घर में नहीं था, सामान ही था। आपका परिचय दे दीजिए। हम यहाँ का वार्ड मेंबर है, वार्ड मेंबर का प्रतिनिधि प्रदीप कुमार महतो जी है, वार्ड सदस्य। हम हमारा नाम प्रदीप कुमार महतो, यहाँ का वार्ड सदस्य का प्रतिनिधि। सूचना मिला कि धरनी घोड़ा में दो तीन घर में चोरी हुआ है। उस सूचना को सत्यापन के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। जांच पड़ताल चल रहा है, लिखित आवेदन मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या चोरी हुआ सब तीन घरों में? लैपटॉप कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ गहने होने रुपये पैसे हैं। और भी कुछ केस वगैरह? नहीं, केस के बारे में तो नहीं पता चला है। कितने घरों में चोरी हुई? अभी तीन घर बता रहे हैं लोग। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।